Now next example, according to like a same previous case, and how to reading invisible password and display star in place of pressed key. Previous case में जब password information read किया तो reading time पर आपको कोई भी character visible नहीं होता था, just because of get ch function. लेकिन इस case में just मैं जैसे अगर मैं a press करता हूँ, a के place पर display क्या होना चाहिए, star. अगर next time जब b press करें या b type करें then क्या display होगा, again star. Next time again c press करें then क्या display होगा, again star. d के place पर क्या display होगा, star. इस अगर 4 की press कर रहे हैं a b c d then a b c d के place पर display क्या कराएंगे, something star star star, then finally display क्या कराएंगे, again password. Now let's see one by one. Again we are creating some array as password. Array का name क्या है इसके, इसमें password. What is the size of this array? This array containing 5 characters. Size of this array is 5. Name of this array is pwd. अगर first byte का address 100 है, then remaining bytes के address क्या है, 101, 2, 3, 104. Initial value is garbage. एलिमेंट्स को एक्सेस करने के वे में नेम असाइन करेंगे, जब पी डब्ल्यू डी ऑफ जीरो, नेक्स्ट प्लेस का नेम क्या होगा, पी डब्ल्यू डी मीन्स एरे नेम, देन इंडेक्स वैल्यू, अगेन एरे नेम एंड इंडेक्स वैल्यू एस टू, एरे नेम एज इंडेक्स वैल्यू. इस केस में पी डब्ल्यू डी ऑफ जीरो और पी डब्ल्यू डी ऑफ आई को आप कंसिडर करोगे लाइक अ सेपरेट वेरिएबल्स लाइक एक्स वाई जेड और ए बी सी और पी क्यू आर. प्लस स्ट्रिंग्स को ऑलवेज टर्मिनेट किससे करेंगे, नल कैरेक्टर. लास्ट प्लेस पर क्या आसान होना चाहिए, नल. बिगिनिंग 4 प्लेसेस पर आसान करें एंटर्ड पासवर्ड. सपोज दैट हियर वी वांट टू एंटरिंग पासवर्ड एज 1 2 3 4. 4 डिजिट पासवर्ड एज 1 2 3 4 और मे बी एक्स वाई जेड समथिंग और पी क्यू आर एस टी और लाइक सम डिफरेंट डिफरेंट केसेस और नेम ऑफ द पर्सन. इन दैट केस फर्स्ट वन, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्रिएट किया हो जाए एरे. आफ्टर क्रिएटिंग एरे नेक्स्ट प्रिंट ऐप के थ्रू मॉनिटर विंडो में डिस्प्ले हो जाए गिवन मैसेज, गिव योर पासवर्ड, सेम एज प्रीवियस, गिव योर पासवर्ड. प्रीवियस केस में करंट केस में डिफरेंस क्या रहेगा, प्रीवियस केस में जब पासवर्ड एंटर किया तो एंटरिंग टाइम पर कोई भी डेटा या पासवर्ड विजिबल नहीं होता, लेकिन इस केस में आपको एंटरिंग के एंटर टाइम पर ओरिजिनल कीज के प्लेस पर डिस्प्ले क्या कराएंगे, सम अदर अल्टरनेटिव की एज अ स्टार, लाइक जीमेल लॉगिन. जीमेल लॉगिन के केस में जब भी आप पासवर्ड इंफॉर्मेशन रीड करते हो तो इंफॉर्मेशन के केस में ऑलवेज ओरिजिनल पासवर्ड के प्लेस पर डिस्प्ले किया जाता है सम डॉट साइन. हियर वी आर यूजिंग स्टार इन प्लेस ऑफ डॉट. नेक्स्ट वन, करेंटली कर्सर का मिलिंग कर रहा है आफ्टर डिस्प्लेइंग 3 डॉट्स बिकॉज ऑफ दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रिंट एफ. प्रिंट एफ के थ्रू मैसेज डिस्प्ले कराने के बाद मैंने कोई स्लैश एन यूज नहीं किया, इसलिए अभी कर्सर कहाँ है, ऑन द सेम लाइन फर्स्ट लाइन. नेक्स्ट वन पी डब्ल्यू डी ऑफ जीरो, अगेन एज वी नो जब भी गेट सी एच फंक्शन कॉल होगा, टोटली इस केस में गेट सी एच फंक्शन कितनी बार कॉल हो रहा है, 4 टाइम्स. गेट सी एच फंक्शन जब भी कॉल होगा एवरी टाइम इंटैक्ट किससे हुआ, कीबोर्ड, डायरेक्टली फ्रॉम कीबोर्ड, नो वे रिलेटेड टू एस टी डी इन. इन केस ऑफ फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम गेट सी एच फंक्शन कॉल हो रहा है, गेट सी एच के अकॉर्डिंग सपोज ने की प्रेस किया, हियर वी वांट टू पासवर्ड एज 1 2 3, देन देयरफॉर वी आर प्रेसिंग की एज 1. एज वी नो आस्की वैल्यू ऑफ डिजिट्स 0 1 2 3 अप टू 9. 0 का आस्की वैल्यू क्या होता है, 48. 1 का आस्की वैल्यू क्या है, 49. 2 का आस्की वैल्यू क्या है, 50. सेम एज 9 का आस्की वैल्यू क्या है, 57. दीज आर आस्की वैल्यू ऑफ द डिजिट्स. सेम एज जैसे मैं 1 प्रेस करूंगा तो 1 के केस में रीड क्या हुआ, आस्की वैल्यू ऑफ कैरेक्टर 1. लेकिन 1 जब आप प्रेस करोगे अभी कुछ विजिबल हो रहा है कि नॉट विजिबल, मीन्स गेट सी एच के केस में कभी भी एंटर कैरेक्टर मॉनिटर डिवाइस पर विजिबल नहीं हुआ. देन इस केस में रीड क्या हुआ, आस्की वैल्यू ऑफ 1 विच इज 49. ASCII value of 1 is 49. 49 now assigned to the PWD of 0, means that place. Assigned to this place for 49. It is equivalent to character 1. Next, now, इसके बाद जब second statement को chance मिलेगा printf star, then जिस place पर cursor blink कर रहा है उस current place पर display क्या हो जाएगा, star, by using this printf.
इसे रियल में प्लेस किया गया वन, लेकिन वन के प्लेस पर वन ओरिजिनल की डिस्प्ले नहीं करा के, ओरिजिनल की के प्लेस पर क्या डिस्प्ले कराया मैंने, जस्ट स्टार। नेक्स्ट वन का फिर से चांस किसको मिलेगा, पी डब्ल्यू डी ऑफ वन, अभी भी मैंने लाइन चेंज नहीं किया बिकॉज कोई भी स्लैश एंड कैरेक्टर सप्लाई नहीं किया। नेक्स्ट वन अगेन गेट सी एच, गेट सी एच फिर से इंटैक्ट किससे होगा, कीबोर्ड। नेक्स्ट टाइम मैंने प्रेस किया समथिंग की एस टू, अगेन की इज नॉट विजिबल ऑन द मॉनिटर। आस्की वैल्यू ऑफ टू इज 50, देन 50 आसानी के समझ आए, लोकेशन पी डब्ल्यू डी ऑफ वन मीन्स दैट प्लेस 50, मीन्स इट इज इक्वेलेंट टू कैरेक्टर टू। नेक्स्ट वन अगेन, नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ऑफ प्रिंट एफ, तो नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ से फिर से क्या प्लेस हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा सेम प्लेस पर, वन मोर टाइम्स स्टार। टू की प्लेस होने के जस्ट स्टार्स कितने विजिबल होंगे, टू स्टार्स। नेक्स्ट वन अगेन वी आर कॉलिंग गेट सी एच, तो गेट सी एच फंक्शन के थ्रू फिर से कीबोर्ड से की प्लेस करेंगे समथिंग की एस थ्री। नेक्स्ट टाइम आस्की वैल्यू क्या है, थ्री का आस्की वैल्यू इज 51, नाउ दिस 51 इज असाइन टू द वेरिएबल और लोकेशन पी डब्ल्यू डी ऑफ टू मीन्स सेकंड इंडेक्स ऑफ दिस एरे 51, इट इज इक्वलेंट टू कैरेक्टर थ्री। नेक्स्ट वन अगेन फिर से प्रिंट एफ को चांस मिलेगा, तो प्रिंट एफ सेम लाइन में फिर से क्या डिस्प्ले करेगा, कैरेक्टर एस वन मोर कैरेक्टर स्टार थ्री टाइम्स। नेक्स्ट वन अगेन वी आर कॉलिंग गेट सी एच, गेट सी एच फिर से कीबोर्ड से इंटरेक्ट हुआ। नेक्स्ट टाइम मैंने की प्रेस किया है की फोर, मीन्स आस्की वैल्यू ऑफ फोर इज 52, ना 52 इज असाइन टू द वेरिएबल और लोकेशन एरे पोजिशन थ्री 52, देन इट इज सिमिलर टू कैरेक्टर 4। नेक्स्ट टाइम अगेन प्रिंट एफ को चांस मिलेगा, प्रिंट एफ फिर से क्या डिस्प्ले करा देगा, वन मोर टाइम्स स्टार, टोटली 4 की प्लेस हो चुके हैं, इसलिए स्टार्स भी कितने विजिबल होंगे, देर आर 4 कीज। इस मॉनिटर के केस में आपको 1, 2, 3 के प्लेसेस पर क्या विजिबल हो, 4 टाइम्स स्टार। नेक्स्ट वन अगेन इस स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए यूज क्या किया गया है, नाउ इंडेक्स फोर्थ पोजिशन इज इनिशलाइज्ड बाई नल कैरेक्टर, आस्की वैल्यू ऑफ नल इज 0, इट इज इक्वलेंट टू स्लैश 0 कैरेक्टर। इस फाइनल स्ट्रिंग को प्रॉपरली टर्मिनेट किया। नेक्स्ट टाइम जैसे इस प्रिंट एफ को चांस मिलेगा, प्रिंट एफ से स्लैश एन, प्रिंट एफ के केस में सप्लाई किया स्लैश एन, स्लैश एन के अकॉर्डिंग कर्सर कहाँ जाए ऑन द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट वन डिस्प्ले क्या हुआ, और योर पासवर्ड डिस्प्ले दिस मैसेज एज योर पासवर्ड कॉलन, कॉलन के जस्ट बाद परसेंटेज के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, वैल्यू ऑफ पी डब्ल्यू डी, पी डब्ल्यू डी में जस्ट पी डब्ल्यू डी के प्लेस पर मीन एरे नेम के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, इट्स बेस एड्रेस, या और सिंपली आप कंसीडर कर सकते हो पी डब्ल्यू डी के प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ, कंटेंट्स विच इज स्टोर्ड इनसाइड दैट एरे अप टू नल विदाउट डिस्प्लेइंग नल। तो सबसे पहले क्या रीड हुआ, कैरेक्टर वन, डिस्प्ले क्या हुआ, कैरेक्टर वैल्यू नॉट अ आस्की वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, देन नल, नल इज नॉट डिस्प्लेड, देयरफॉर दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। अगर पासवर्ड आपने 1, 2, 3 प्रेस किया देन डिस्प्ले किया जाए 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। टाइप से गेट सी एच और गेट सी एच ई के कॉम्बिनेशन से पासवर्ड रीड करना पॉसिबल है। अगर आप चाहते हैं आपका पासवर्ड विजुअल होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एंटर, देन स्टार के प्लेसेस पर सिंपली गेट सी एच के प्लेस पर क्या यूज कर लें, गेट सी एच ई, गेट सी एच ई एंड स्टार्स को रिमूव करा देंगे। देन इस केस में जो भी आप की प्रेस करोगे सेम की एंटर टाइम पर विजुअल होगा, मीन इस प्लेस पर क्या डिस्प्ले होगा आपको 1, 2, 3, 4, अगेन 1, 2, 3, 4। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पासवर्ड रीड करना पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ गेट सी एच एंड गेट सी एच ई फंक्शंस।